सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एंड ऑडिट की पाठशाला बाय सीए सानिध्य सराफ। लॉ एंड ऑडिट की पाठशाला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो सेक्शन नंबर्स हम लोग आज याद करने वाले हैं, दिस चैप्टर इज इक्वली रेलिवेंट बोथ फॉर ऑडिट एंड लॉ। ऑडिट के अंदर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लॉ के अंदर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, एंड न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर है ये ऑडिट में रेलिवेंट है, लॉ में रेलिवेंट नहीं है। दैट इज वी आर गोइंग टू ट्राई एंड लर्न द सेक्शन नंबर्स ऑफ कंपनी ऑडिट इन दिस वेरी वीडियो, दैट इज सेक्शन 139 टू 148। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये मुहिम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, कितना बेनिफिट हुआ उसके बारे में कमेंट करना मत भूलना। राइट, सो सबसे पहले अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है दैट इज लर्निंग सेक्शन बाय हार्ट। राइट, तो अब ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर के सेक्शन नंबर्स याद कर सकें, लेकिन इसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन क्या चाहिए, हम लोग बहुत ही दूर बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे बीच, लेकिन वो जो दूरी है वो दिखनी नहीं चाहिए, है ना। रिश्ता तो दिल से बनता है भाई, फिजिकल डिस्टेंस से क्या मतलब है। कोई भी चीज़ जब मैं रिपीट करूँगा आपको भी उतनी बार रिपीट करना है, जिस तरीके से मैं रिपीट करने बोलूँगा उसी तरीके से आपको भी रिपीट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो चैप्टर है कंपनी ऑडिट, दिस इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 10। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है, कंपनी ऑडिट। रिपीट करोगे साथ में, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है, कंपनी ऑडिट। सेक्शन नंबर्स कौन से कवर्ड है सर, 139 टू 148। प्लीज रिपीट करेंगे मेरे साथ, दैट इज चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम कंपनी ऑडिट, सेक्शंस कवर्ड 139 टू 148। पांच बार रिपीट करेंगे फटाफट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम कंपनी ऑडिट, सेक्शंस 139 टू 148। चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 10, कंपनी ऑडिट, सेक्शन 139 टू 148। चैप्टर नंबर 10, सेक्शन 139 टू 148, कंपनी ऑडिट। चैप्टर नंबर 10, सेक्शन 139 टू 148, कंपनी ऑडिट। चैप्टर नंबर 10, सेक्शन 139 टू 148, चैप्टर कंपनी ऑडिट। अगर आपने पहले के वीडियोस देख लिए हैं लॉ की पाठशाला वाले सीरीज के, तो वहां पे हमने इसके बाद के सेक्शन नंबर्स याद किए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 टू 172। Then chapter number 12, meeting of board and its powers, that is we have section 173 to 195. And we have chapter number 13, that is appointment and remuneration of managerial personnel, that is section 196 to 205. ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने जो लर्न किया है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 के सेक्शन याद किए हैं, और यहाँ पे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 10, दैट इज कंपनी ऑडिट, सेक्शन 139 टू 148। मतलब आप देखोगे कि चैप्टर 10, 11, 12, 13 चारों चैप्टर्स फ्लो में बन जाता है। सबसे पहले वी हैव चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, सेक्शन 139 टू 148। देन वी हैव चैप्टर नंबर 11, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 टू 172। देन वी हैव चैप्टर नंबर 12, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, सेक्शन 173 टू 195। एंड देन वी हैव चैप्टर नंबर 13, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, सेक्शन 196 टू 205। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑडिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाए। ओके सर, सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 किस बारे में है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में है। सेक्शन 139 किसके बारे में है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में है। अब आप चार कीवर्ड्स याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, ये चार कीवर्ड्स याद रखेंगे, साथ में रिपीट करेंगे, बोलो, अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी। अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी, बोलो, रिपीट करो, पार नहीं करोगे वीडियो। अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी। 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 जिसको हंसना है हंस लो, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ा लो, और जिसको याद करना है बोलते रहो। अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी। अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसीज। यानी जैसे मैं बात करूंगा सेक्शन 139 के बारे में आपके दिमाग में आना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट appointment of auditors, deemed reappointment of auditors, rotation of auditors and the concept of casual vacancy. अब appointment को opposite क्या होता है, removal या resignation, है ना। appointment को opposite क्या होता है, removal या फिर resignation। तो section 140 क्या हो गया, removal and resignation, या फिर in other sense जो आने वाला है वो तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, है ना, जो आने वाला है वो तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। तो अपॉइंटमेंट के बाद क्या आ गया, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। तो जो आया था वो जा चुका है, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था वो तो रिजाइन करके जा चुका है,
क्योंकि मे भी शायद वो क्वालिफाइड नहीं था, शायद मे भी वो डिसक्वालिफाइड था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बदले क्वालिफाइड व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके बदले जो एक एलिजिबल पर्सन है, जो एक क्वालिफाइड पर्सन है और जो डिसक्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है, उसे ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी सेक्शन 141 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। सेक्शन 141 में किसकी बात करी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट, डीम्ड दी अपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी। ऑपोजिट क्या था, सेक्शन 140, दैट इज रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, हटा दिया, बदले में एलिजिबल बंदा अपॉइंट किया, क्वालिफाइड बंदा अपॉइंट किया, जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। 141, अब जैसे ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया ना, तुम एलिजिबल हो, ठीक है, तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी हो गया, यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड। पता तुम्हारा अपॉइंटमेंट होते तुमने सबसे पहले किस चीज का बात करा, अगर कहीं भी तुम्हारे अपॉइंटमेंट की बात होती है सबसे पहले किस चीज का बात करते हो, सर हमें क्या काम करना है, हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी राइट्स क्या है। नहीं, तुम इसकी बात नहीं करते हो, तुम पहले पैसे की बात करते हो, पैसा कितना मिलेगा। तो सेक्शन 142, रेमुनरेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन के बाद क्या आ गया, रेमुनरेशन। आज एक एक्सपेरिमेंट करना घर में जाके ना अपने पापा को बोलना, पापा 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 मुझे ना हर महीना रेमुनरेशन चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए। जैसे ही तुम अपने रेमुनरेशन की बात करोगे ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे सारे राइट्स एंड ड्यूटीज तुम्हें याद दिला देंगे, देख लेना ट्राई करके। ठीक उसी तरीके से ही जैसे ही ऑडिटर ने रेमुनरेशन की बात करी, राइट्स एंड ड्यूटीज याद दिला दिए गए, या फिर रेमुनरेशन की बात हो गई, रेमुनरेशन अच्छा लगा, अब ऑडिटर ने बोलो बताओ मेरी क्या क्या राइट्स हैं, मेरी क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो सेक्शन 143 क्या हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सेक्शन 139 सबसे पहले क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी। सेक्शन 140 रेजिग्नेशन रिमूवल, सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेमुनरेशन, और रेमुनरेशन की बात होने के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज 143। अब याद रखना, मतलब गलत वैसे मत समझना, दिमाग को सेंटर में रखना। ऑडिटर ने क्या किया, ड्यूटीज परफॉर्म करते करते इतनी अच्छी तरीके से ड्यूटीज परफॉर्म कर दी कि उसे एड्स हो गया। क्या हो गया, एड्स हो गया। यार नेगेटिव सेंस में मत लेना, पॉजिटिव सेंस में लेना, याद कराने का फॉर्मूला है, समझो। ड्यूटीज परफॉर्म करते करते ऑडिटर ने इतने अच्छे से ड्यूटीज परफॉर्म कर दी कि उसे एड्स हो गया। अब बताओ एड्स अलाउड होना चाहिए कि प्रोहिबिटेड होना चाहिए, सर बिल्कुल प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट एड्स, एंड एड्स इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर द प्रोहिबिटेड सर्विसेज इन सेक्शन 144। जैसे कि ऐसे अकाउंटिंग सर्विसेज है, ऐसे एक्चुअरियल सर्विसेज है, ऐसे इंटरनल ऑडिट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, राइट, डी से डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो एड्स इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर द प्रोहिबिटेड सर्विसेज। तो ड्यूटी करते करते कुछ ऐसा हो गया कि ऑडिटर को एड्स हो गया, मतलब प्रोहिबिटेड सर्विसेज वो परफॉर्म नहीं कर सकता, सेक्शन 144। एड्स हो गया मतलब वो जाने वाला है बंदा, पहले डिस्कस किया था, जो आएगा वो जाएगा, अपॉइंटमेंट के बाद रिमूवल, रेजिग्नेशन, मतलब बंदा जाने वाला, समझ लो परमानेंट जाने वाला है, परमानेंट ठिकाना लगने वाला है उसका। ऑडिट करने के बाद वैसा ही होता है, वैसा ही लगता है अपने को। अब जब इंसान के कुछ आखिरी दिन बाकी होते हैं, इंसान क्या सोचता है, लेट मी डू ऑल माई पेंडिंग वर्क। तो सिमिलरली ऑडिटर भी इस वक्त क्या सोच रहा है, लेट मी डू ऑल माई पेंडिंग वर्क, लेट मी फर्स्ट साइन माई ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर क्या सोच रहा है, सबसे पहले मैं अपना रिपोर्ट साइन कर लूँ। तो सेक्शन 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर सबसे पहले क्या सोच रहा है, लेट मी साइन द ऑडिट रिपोर्ट। तो सेक्शन 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन कर लिया, अब वो क्या सोच रहा है, मैं जाके मेंबर से आखिरी बार मिल लूँ, लेट मी अटेंड द AGM, लेट मी एक्सरसाइज माई राइट टू अटेंड द AGM एंड लेट मी मीट द मेंबर्स फॉर द लास्ट टाइम। यानी 146 अटेंडिंग AGM, 146 क्या हो गया, attending the AGM। तो 139 क्या था, appointment of auditors, 140 क्या था, removal resignation, 141 क्या था, eligibility qualification disqualification, 142 क्या था, remuneration, remuneration की बात थी तो की तो rights and duties, 143 and duty perform करते करते 144, और फिर दिन कुछ ही बच गया, तो 145 में signing the audit report, 146 में attending the AGM। और अगर ये सारी चीजें auditor ने नहीं करी तो 147 में incur करना पड़ेगा penalty, और पेनल्टी के फॉर्म में इंकर करना पड़ेगा कॉस्ट, दैट इज 148 कॉस्ट ऑडिट। तो अगर ये सारी चीजें नहीं करी तो 147 में लग जाएगी पेनल्टी, और पेनल्टी के फॉर्म में लगेगा कॉस्ट, यानी 148 कॉस्ट ऑडिट। तो कुल मिलाकर सेक्शंस का फ्लो क्या बन गया, सेक्शन 139 टू 148, चैप्टर नंबर 10, कंपनी ऑडिट। सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स,
अपॉइंटमेंट, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, रोटेशन, कैजुअल वैकेंसी, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेमुनरेशन, रेमुनरेशन की बात करी तो राइट्स एंड ड्यूटीज, जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ रेमुनरेशन की बात करी, रेमुनरेशन की बात करी तो राइट्स एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज परफॉर्म करते करते एड्स, 144 फॉर्मुला टू लर्न द प्रोहिबिटेड सर्विसेज, और उसके बाद बंदा जाने वाला है तो लेट मी साइन द ऑडिट रिपोर्ट, 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, लेट मी अटेंड द एजीएम फॉर द लास्ट टाइम, 146 अटेंडिंग द एजीएम, और नहीं करो तो पेनल्टी, 147 में पेनल्टी, 148 में कॉस्ट ऑडिट, ठीक है? तो प्लीज हियर दिस वीडियोस एटलीस्ट फॉर 4 to 5 टाइम्स, कम से कम 4 से 5 बार इस वीडियो को सुने, कम से कम 4 से 5 बार इस वीडियो को सुने, आपको ये सेक्शंस याद हो जाएंगे, एक दो बार सेक्शंस लिख के भी देखें। सर सेक्शन नंबर याद हो गया क्या? सब सेक्शन नंबर भी लिखना कंपलसरी है? ऐसा कुछ नहीं है। सर सब सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो सेक्शन नंबर लिख सकते हैं? यस, आप लिख सकते हो। सर चैप्टर नंबर भी लिखे हैं कि एडवाइजेबल है, लिख सकते हो तो लिख सकते हो। चैप्टर नंबर रोमन में लिखा जाता है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, चैप्टर नंबर आपको याद है। सब सेक्शन याद है तो जरूर लिखें, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सेक्शन नंबर लिखें। आई होप इट इज क्लियर एंड आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट इज हेल्पिंग यू आउट। तो टिल नाउ वी हैव अपलोडेड द सेक्शन नंबर्स लर्निंग पार्ट ऑफ द चैप्टर कंपनी ऑडिट, देन वी हैव यू नो अपलोडेड फॉर अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग एंड द चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोस एज वेल, डू लाइक द वीडियोस, डू शेयर द वीडियोस, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, वन क्विक इन्फॉर्मेशन फॉर यू, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि वी हैव फ्री रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, वी हैव फ्री PDF, फ्री समरी रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल एट अपना मेंटर वेबसाइट, साथ ही साथ वी हैव some of the paid resources like conceptual clarity के लिए we have regular classes, time कम है तो we have fast track classes, time और ज़्यादा कम है सब कुछ पर रखा है, final boost up चाहिए तो we have संजीवनी courses जो कि बहुत economical course है, sir सब कुछ कर रखा है खाली question की practice नहीं है, we have Ramban for that, तो we have something for everyone, we have the free resources, we have the paid resources, sir सब कुछ कर रखा है, कोई classes नहीं चाहिए, सिर्फ test देना है, we also have the अपनामेंटल test series, so सब कुछ आपके लिए available है जो कि आप avail कर सकते हैं by going to www.apnamental.com। sir आपसे connected कैसे रहेंगे हम? By joining my telegram channel जिसका link description box में दिया है, जिसका link description box में दिया है तो आप telegram channel join कर लीजिए, और अगर ये links आप join नहीं कर पा रहे हो आप law and audit saga by CA Sanidhya Saraf Google में type कर दीजिएगा। सर अगर आपसे कोई consultancy चाहिए, कोई guidance चाहिए, कोई query पूछना है तो आप telegram में मुझसे contact कर सकते हो, मैं वहाँ पे reply कर दूंगा। You can just note down the number 7838061193, 7838061193, वहाँ पे आप मुझसे contact कर सकते हो, सिर्फ WhatsApp के माध्यम से, सिर्फ telegram के माध्यम से कॉल नहीं उठा पाऊंगा। All the very best for your exams. Love you all. Take care. Goodbye.